और इसी बीच की बड़ी खबर बेमेतरा से आपको बता दें, जहां पर सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। मोहभट्टा इलाके में तालाब में कार गिर गई, जिसके चलते 8 लोगों की मौत हो गई। एक मासूम, 4 महिला और 3 पुरुषों की जान चली गई है। तालाब में डूबी तेज रफ्तार कार से यह हादसा हुआ। तो बड़ी खबर बेमेतरा से, जहां पर सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। मोहभट्टा इलाके में तालाब में कार गिरी थी। एक मासूम, 4 महिला और 3 पुरुष मृतकों में शामिल हैं। तस्वीरें ताजा तस्वीरें हैं। ये कार थी i20, जो तेज रफ्तार कार अचानक से तालाब में जा गिरी और जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक मासूम भी शामिल है, इसमें 4 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं, इनकी जान गई है। इतना दुखद हादसा, कार के परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीर आपको दिखा रही है वही कार है जिसमें 8 लोग सवार थे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिलीप साहू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। 8 लोगों की खबर बहुत ही दुख भरी खबर है। दिलीप, कैसे हुआ यह हादसा? देखिए, बेमेतरा जिला का मामला है जहाँ दर्दनाक हादसा हुआ है। i10 20 कार है जो अंतरित होकर तालाब में जा घुसी, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें चार चार महिलाएं बता रही हैं और उसमें 3 पुरुष बता रहे हैं, एक बच्ची बताई जा रही है, जिसमें चारों की मौत हो चुकी है हाथों की। जी दिलीप, कबूल कैसे हुआ यह हादसा? ये अभी की हम अभी भी घटना की है, आधे घंटा पहले की घटना है। अचानक रायपुर से आ रही थी कार, उसमें से अचानक तालाब में घुसी i20 कार थी, उसमें से जिसमें उसमें हादसा के हादसा हुआ, अचानक उसमें आठों के आठों की मौत हो गई उसमें। जी, तो 8 लोग एक ही कार के अंदर सवार थे दिलीप? सभी आठों आठों के व्यक्ति जो जो थे, जो आठों कार i20 कार में सवार थे, अचानक मोड़ है वहां पर, अचानक उस एजेंसी हो गई, तालाब में घुस गया कार, जिसके कारण 8 लोगों की मौत हो चुकी है। हॉस्पिटल जिला अस्पताल लेने के बाद उसमें जिला अधिकारी हैं, जो जिला अधिकारी, उन्हें घोषणा की है कि वो 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कार जब तालाब में गिरी, उसके बाद किसी ने उसे देखा, तुरंत बाहर निकालने की कोशिश की गई, रेस्क्यू करने की कोशिश की गई दिलीप? जी, पूरे जिला प्रशासन वहां गया, फिर वहां पुलिस विभाग की टीम गई, वहां निकालने की कोशिश के निकाला गया है। उसके बाद सारण सारण में उसको जिला अस्पताल रिफर किया गया है सभी को, लेकिन वहां जाने से पहले पता चल गया है वो 8 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रिया दिलीप जानकारी के लिए।